लगता है आपको योगी सरकार सक्षम है जिस हिसाब से सरकार चल रही है? बिल्कुल, लोग इससे खुश हैं या फिर इस बार 2022 में सरकार बदलेगी? वैसे तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, योगी जी सही काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की। सिद्धार्थ नगर में बीजेपी मजबूत है जी? सिद्धार्थ नगर 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। अभी हम गोरखपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं चाय की दुकान है और उत्तर प्रदेश की राजनीति ये मानी जाती है कि चाय के दुकान से ही शुरू होती है। ऐसे में हम चाय अभी जस्ट ही पिए हैं और चाय की चुस्की भी लिए हैं और इसी के साथ हम ये जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि जो जनता अभी चाय पी रही है 2022 में कौन सी ऐसी सरकार है जिसको चाय की चुस्की मिलेगी और किसके हाथ से सत्ता छीनी जाएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? पूर्णवा से बनिया। कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही हैं? नेपाल से ही हैं। क्या नाम है आपका? साथ में ही है क्या? जी। अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? पीयूष पांडे। गोरखपुर से ही हैं? हाँ। क्या लगता है इस बार कि 2022 में कौन आने वाला है? आएगा पता चल जाएगा। कौन आएगा पता चल जाएगा। हाँ, जब कोई आएगा। क्या लगता है आपको योगी सरकार सक्षम है जिस हिसाब से सरकार चल रही है? बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है ये सक्षम है सरकार, लोग इससे खुश हैं या फिर इस बार 2022 में सरकार बदलेगी? वैसे तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। योगी जी सही काम कर रहे हैं। अभी पिछले कई दिनों से लगातार हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पे योगी सरकार तो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है जी, फिर लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रशासन की है, अपनी प्रशासन की गलती है, क्या चूक है। अच्छा। सर जी, क्या नाम है आपका? आलोक त्रिपाठी। गोरखपुर से बिलोंग करते? नहीं, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से बिलोंग करते हैं। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की। लगातार गोरखपुर की अभी आपको बात बता दें, लगातार इतनी हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको बेरोजगारी रोजगार में कमी है और बाकी महंगाई भी तो इस स्तर पे है कि आदमी पेट्रोल और आज तो आप देख सकते हैं टमाटर का रेट 100 रुपए के पार चला जा रहा है। तो आप फिर भी चाह रहे हैं बीजेपी आए, क्यों ऐसा? बीजेपी आए, उसमें स्वतंत्र हैं लोग, थोड़े से जो है घूम घाम रहे हैं अपने हिसाब किताब से, थोड़ा सा भ्रष्टाचार के हिसाब किताब से देखा जाए तो अन्य सरकार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो है महत्वपूर्ण योगदान। कांग्रेस और सपा है कि तो भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस सपा हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी हमने बीजेपी अपना जो सोच है हम अपनी सोच आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थ नगर में बीजेपी मजबूत है जी? सिद्धार्थ नगर 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विधायक, क्या नाम है आपका? चंद्रचूड़। यही गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। ये बताइए किस प्रकार से क्या लगता है आपको 2022 में इस बार योगी सरकार आएगी या फिर सत्ता में परिवर्तन होगा? बीजेपी आएगी, कंफर्म है। बाबा फिर से आने वाले हैं? अच्छा, राधा राम मोहन दास पे सवाल उठता है कि पिछले 4 बार से विधायक हैं और उनके कार्यकाल में नालियाँ और सड़कें जो है वही सही नहीं हो पाई हैं। देखिए, ओवरऑल देखना चाहिए, मतलब किसी एक विधायक से कोई सरकार नहीं बनती है। पिछले 4 बार से तो विधायक हैं वो, ठीक है विधायक हैं, लेकिन मैं ओवरऑल देखता हूँ। मतलब मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज़, किसी भी मुद्दे को आप ओवरऑल जो डिसीजन मेकर होता है, जो मेन मुखिया होता है, उससे सारी चीज़ें चलती हैं। विधायक तो सपोर्ट करते हैं, सारे विधायक मिलकर एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाता है। तो अभी मैं ये बोलता हूँ कि योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्टिव हैं और मेरे हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी विधानसभा का जो विकास होता है वो तो विधायक पे ही डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट आपको योगी जी आके तो बता नहीं देंगे या फिर काम कर नहीं देंगे? योगी जी की नज़र तो होगी ना सब पे। आप योगी जी के पास, आप जिसको प्रत्याशी चुनते हैं वो विधानसभा से चुनकर जाता है, वो तो देखिए विधायक मेरे हिसाब से विधायक ठीक है, विधायक होते हैं, विधायक को काम भी करते हैं, विधायक बहुत सारे क्षेत्र में विधायक काम भी कर रहे हैं। वोट तो आप विधायक को देते हैं? नहीं, वोट सिर्फ विधायक के नाम से नहीं जाता है, वोट जब जाता है वो किसी पार्टी के नाम पे भी जाता है। बीजेपी तो विधायक को है ना? चुनते हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं गोरखपुर में, ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है डेवलपमेंट। आपने कितना टाइम दिया, हमने कितना टाइम दिया उनको? पिछले बीस साल से नहीं, अभी सत्ता में मेजोरिटी में तो बीजेपी आई है ना, बीजेपी आई, तो पिछले 5 साल मेजोरिटी है तो आप काम भी देख रहे होंगे, रोड अच्छे बने हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों पे कमियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं होता 100% डेवलपमेंट। भ्रष्टाचार पे देख सकते हैं आप, हत्याएं पिछले 10-15 दिन से लगातार हत्याएं हो रही हैं। हत्या भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, हत्या जो है कानून लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है ना। बिल्कुल
उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती होगी, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। प्रशासन से एकदम डर हट गया है दबंगों का? ऐसा नहीं है, अगर इतना होता तो रोज मर्डर होता, ऐसा नहीं है, रोज आए दिन अगर नहीं, ठीक है। अभी मनीष तो उसके लिए पुलिस पुलिस भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, और जो भी हत्या किया होगा उसके ऊपर भी जांच बैठी होंगी, जांच हो रही होंगी, और जो भी गिल्टी होगा, जो भी मतलब इसमें गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगी, पकड़ेंगे पुलिस। बट ओवरऑल अगर देखेंगे गोरखपुर में, मैंने देखा है गोरखपुर में डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सुधर रही हैं। जो पहले के कंपैरिजन अगर आज से 5 से 6 साल पहले अगर देखेंगे और अगर उससे अभी कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बदलाव आया है गोरखपुर में, ऐसी बात नहीं है। फिर से आने वाले हैं बिल्कुल।